नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किसी जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाती है, किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 2 1 1 2। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है उसके लिए है, वो है कि हमें एक करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखनी होती है। और जो हमारे करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है वो होती है ए माइनस लेमडा आई। और सेकंड पॉइंट होता है कि जो हमारी ये करेक्टरिस्टिक जो ये मैट्रिक्स है उसके लिए हमें एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखनी होती है, वो होती है 1 माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये हमें पुट करना होता है। तो देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट है जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें से आप लेमडा इंटू आई को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए कितना आता है, ये हमारी मैट्रिक्स 2 1 1 2 और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा से गुणा करेंगे तो लेमडा 0 0 लेमडा। अब इसको सोल्व कीजिए, ये कितना आया 2 माइनस लेमडा 1 1 2 माइनस लेमडा। अब क्या करना है कि आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो आप यहाँ से इसको ये मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, तो 2 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 4 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए लेमडा स्क्वायर और -3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा को कॉमन लीजिए, लेमडा -3। यहाँ से -1 को कॉमन लीजिए, लेमडा -3। यहाँ से लेमडा, यहाँ से -1 और ये लेमडा -3 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू 3, ये हमारी जो मैट्रिक्स थी, यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2, ये हमारी आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू। तो लेमडा 1 कितना है 1 और लेमडा 3 की लेमडा 2 कितना है 3। तो जो हमारी मैट्रिक्स थी ए वो मैट्रिक्स थी 2 1 1 2, उसकी जो आइगन वैल्यू है वो दो आइगन वैल्यू आई, एक आई 1 और एक आई 3। अब देखिए, अब इन दोनों आइगन वैल्यू को ऐड कीजिए 4, और जो हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो कितना है 4। तो जो आइगन वैल्यू होती है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होती है, ये तो ये 2 प्लस 2 4, और जो हमारी आइगन वैल्यू थी वो भी 4 थी। तो ये जो आइगन वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाती है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। पहले आपको लिखना होता है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसके बाद में करेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स है उसकी पॉलिनोमियल लिखनी होती है, उसके बाद उस पॉलिनोमियल को आपको सोल्व करना होता है और आप आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आइगन वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हमारा सेकंड, उसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 2 3 माइनस 4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं जो हमारी मैट्रिक्स है उसके लिए करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, वो होती है ए माइनस लेमडा आई। उसके बाद पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये हमारी जो आइगन वैल्यू उसको फाइंड करने के लिए दो स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें से लेमडा इंटू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको माइनस कीजिए। तो देखिए ए माइनस लेमडा आई कितना आता है 1 2 3 माइनस 4
माइनस लेमडा ज़ीरो ज़ीरो लेमडा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा लेमडा ज़ीरो ज़ीरो लेमडा, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है हमारी 2x2 की है, तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 की होगी। अब देखिए 1 माइनस लेमडा यहाँ पर 0, 3 माइनस 4 माइनस लेमडा। अब इसको हमें लिखना है हमारी जो इसका डिटर्मिनेंट लिख के, और लिखनी है हमें पोलिनोमल। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ हमारी जो a माइनस लेमडा i, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए 1 माइनस लेमडा और यहाँ से माइनस 4 माइनस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से 4 लेमडा, ये तो 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 6 10 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे जो पास 3 को हमें ब्रेक करना है, जिसका जिसको मल्टीप्लाई करें तो आए माइनस 10। तो 3 को ब्रेक करना है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की दो आगे वैल्यू आएंगे, एक आएगी लेमडा इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 और लेमडा 2 इक्वल टू माइनस 5। अब आप लेमडा 1 ये हमारे पास आई आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप देखिए क्या करना है, यहाँ से इन दोनों आइगन वैल्यू को जोड़िए, जब ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा माइनस 3। और जो हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल है या सम ऑफ द ट्रेस, इसको जोड़ेंगे तो भी तो कितना आएगा माइनस 3। तो हमारी जो आइगन वैल्यू आई माइनस 3 वो सही है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारी आइगन वैल्यू आती है वो और जो हमारा ये सम ऑफ द ट्रेस होता है वो इक्वल होते हैं दोनों। तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 और ये माइनस 3, तो ये हमारी आइगन वैल्यू। इस तरह हम किसी मैट्रिक्स दी हुई है तो उस फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आप कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।